राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। विक्रम संवत हमारा नव वर्ष है, उसे हमें अवश्य मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? तो आप तो आजकल लोग पंचांग तो देखते नहीं, पंचांग पढ़े तो नया पंचांग भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही आरंभ होता है। अब उसमें सबसे पहले लिखा रहता है पारिभद्रस्य पत्राणि कोमलानि विशेषतः सपुष्पाणि समानीय चूर्णं कृत्वा विधानतः मरीचिर्लवणं हिंगु जीरकेण समन्वितं अजमोदायुतं चैव भक्षयेद् रोगशान्तये। आज की तिथि पर क्या करना चाहिए? सबसे पहले बोले पारिभद्रस्य पत्राणि। पारिभद्र माने होता है नीम, नीम की कोमल कोमल पत्ती, उसके फूल के सहित अर्थात उसकी मंजरी के सहित कोमल कोमल पत्ती को ले आवे, उसको जल से धो करके फिर सिलोही पर रख करके चूर्णं कृत्वा विधानतः उसको बढ़िया से उसको पीसे और उसमें काली मिर्च, सेंधा नमक, मरीचर लवणम, हींग हींग, जीरा और अजवाइन, इतनी चीज डाल करके खूब बढ़िया से उसको मर्दनम गुणवर्धनम। क्या मर्दनम गुणवर्धनम? जितना उसको महीन पीसेंगे उतना उसका गुण बढ़ जाएगा। और उसको फिर ठाकुर जी को भोग लगाकर आज खाली पेट सबसे पहले इतना है, एक तोला के लगभग यही नीम का जो बनाया हुआ औषधि है इसको ही लेना चाहिए, बढ़िया स्वाद ले लेकर। हमारे यहां वृंदावन में अयोध्या में आज ठाकुर जी को सबसे पहले यही भोग लगता है। अब थोड़ा रसिकों का भाव अलग होता है तो इसके साथ थोड़ा माखन मिश्री भी रखते हैं कि ठाकुर जी को कड़वा लगेगा, तो प्रार्थना कर देते भाई विधि है आपको खिलाए बना तो हम खाएंगे नहीं, आप भी कड़वा पाइए और ज्यादा कड़वा लगे तो ये माखन मिश्री आपके लिए बनाई गई है क्योंकि माखन मिश्री को पा करके अपना मुंह का स्वाद ठीक कीजिए। तो हमारे वृंदावन में अयोध्या में चित्रकूट में जहाँ संतों की परंपराएं हैं वहां अपने मलुक पीठ में माखन मिश्री और ये दोनों ही भोग लगाते। भक्षयेद् रोग शांतये, तो ये इतना सुंदर योग है कि इससे भयंकर रोगों का शमन होता है और हम लोग प्रमादवश कर नहीं पाते हैं। यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर 41 दिन तक इसको खाली पेट नित्य ले तो पूरे वर्ष भर न बुखार होगा, न खांसी होगी, न जुकाम होगा, न पेट खराब होगा, किसी भी प्रकार का चर्मरोग तो शरीर में होगा ही नहीं। कुष्ठादि भी जो हो जाते हैं संभावना होती है उसके कीटाणु भी नष्ट हो जाएंगे, कैंसर तक के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। इसका आशय रोग शांति तो आशय है, साल के आरंभ में नव वर्ष के आरंभ में कड़वा खाओ सबसे पहले क्या मतलब? इसका मतलब कड़वा खाओ जरूर पर कड़वा बोलो मत। खाना क्या है कड़वा? आहार केवल इससे नहीं होता, इससे भी आहार होता है। शब्द का आहार कान से होता है, रूप का आहार आंख से होता है और रस का आहार मुख से होता है। प्रत्येक इंद्रिय आहार ग्रहण करती है। संसार में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कड़वे से कड़वा बोलते हैं और वो कटु पानी
बोलने वाले को तो पहले शुद्ध कर ही देती है, सुनने वाले के भीतर भी आग लग जाती है। अरे इतना खराब बोला, इतना गाली दिया हमको, इतना बुरा बोला, इतना अपमान किया हमारा। तो आज वर्ष के आरंभ में वो भगवान का प्रसाद लेने का तात्पर्य है, कड़वा खाने को मिले तो उसे अपनी बीमारी का इलाज मान के, कोई बढ़िया औषधि मानकर खा तो लें, कड़वी बात सुन तो लें, पर उत्तर में उसको कड़वी बात बोलें नहीं। अभी हमारे यहाँ की परंपरा है, वो अंग्रेजी साल लोग जो नया मनाते हैं वो क्या खा पी के शुरू करते हैं, भगवान बचावे। आप लोग सब बड़े सज्जन और बड़े अच्छे भले लोग हैं, हमारा विश्वास है कि आप उन सब दोषों से मुक्त ही होंगे, न मुक्त होते तो यहां बैठकर आप लोग कथा क्यों सुनते। बहुत विवेक पूर्वक स्वयं और अपने बच्चों को अंग्रेजी नववर्ष की जो कुरीतियां हैं, जो उनके जो भयंकर दोष हैं, पतनकारक दोष हैं, उन दोषों से बचाने के लिए एक ही उपाय है कि हम अपने घरों में हिंदू नववर्ष इतनी भव्यता से मनाएं कि उन्हें अंग्रेजी नववर्ष मनाना भूल जाए। अब बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि आज क्या हो गया, क्या करें। संप्राप्ते नव वत्सरे प्रतिगृहं कुर्यात् ध्वजारोहणम्, आज के लिए लिखा है। हर घर में आज अरुणोदय की वेला में, सूर्योदय की वेला में हर घर में आज ध्वजारोहण होना चाहिए, हर घर में झंडा लगना चाहिए, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अपनी अपनी कुल खानदान की परंपरा के अनुसार कोई कुलदेवी की ध्वजा लगाते हैं, कोई सालासर बालाजी की ध्वजा लगाते हैं, कोई कोई खाटू श्याम बाबा की ध्वजा लगाते हैं। ये अपनी अपनी मान्यता के अनुसार आप ध्वजा लगा सकते हैं, कोई हनुमान जी की लाल ध्वजा लगाते हैं, अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लगा सकते हैं ध्वजा। पर हिंदू वैदिक सनातन पद्धति के अनुसार पांच रंग का ध्वजा अपने घर पर लगाना चाहिए, पचरंगा ध्वज, जिसको हमारे यहाँ शास्त्रों में इंद्रध्वज कहा गया। क्या कहा गया? इंद्रध्वज, पांच रंग का ध्वज। उसको लगाने से घर के तमाम प्रकार के अरिष्ट समाप्त हो जाते हैं, विजय होती है। तो पूजन करके, भगवान का स्मरण करके ध्वज लगाना चाहिए। एक और पद्धति है कि द्वारकाधीश जी का ध्वजा, जगन्नाथ जी का ध्वजा, बद्रीनाथ जी का ध्वजा चढ़वाते ना तो प्रसाद में दूसरी ध्वजा मिल जाती है। तो किसी महान जो धाम है उनके मंदिर की ध्वजा, प्रसादी ध्वजा भी आप अपने घर पर लगा सकते हैं। पहला काम है आज का प्रतिग्रहण कुरिया ध्वजारोहण। अब सोचो घर घर में झंडा रोहण हो, सब लोग खड़े हो तो बच्चों को कितना अच्छा लगेगा। और क्या करना चाहिए, वासोलंकरणम, आज के दिन सबको नया कपड़ा पहनना, माताओं को भी नई नई साड़ी, नए आभूषण, अपनी सामर्थ्य के अनुसार बच्चों को सबको नए कपड़े देना, और अपनी कुल परंपरा के अनुसार अपने कुलदेव और कुलदेवी की पूजा करना, अपने पूर्वजों के लिए नांदी श्राद्ध करना। आज के दिन प्रसन्नता पूर्वक नया साल है आप लोगों को भी हम दे रहे हैं, ब्राह्मणों का, कुल पुरोहित का, आचार्य का पूजन करना, अपनी परंपरा के अनुसार पंचदेव की उपासना करना, अभिषेक आदि करना, गौशाला में जाकर गो माता का विधिवत पूजन करना, क्योंकि गाय सर्व देवमयी, सर्व तीर्थमयी, सर्व वेदमयी गाय है, गाय का विधिवत पूजन करना, और हो सके तो आज पंचगव्य का प्राशन अवश्य करना। यत्त्वगस्थिगतं पापं देहे तिष्ठति मामके, प्राशनात् पंचगव्यस्य दहत्वग्रे निर्वेदनम्, जैसे सूखे ईंधन को अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, ऐसे ही हड्डी में छिपे हुए पाप को भी पंचगव्य जलाकर भस्म कर देता है।
और आज दीप दान का विशेष महत्व है। आज दीपक जला करके ध्वजारोहण के समय तो दीप दान करना ही है, आज संध्या के काल में विधि तो ये है कि जितने वर्ष जैसे 2075 चला था तो 2075 दीपदान तो करें, एक बड़ा दीपक नए वर्ष का जलाएं। 2076 में शुरू हो गया ना आज से, तो 2075 तो छोटे दीपक जल जाएंगे ठीक है, और बड़ा एक बड़ा दीपक जो पूरी रात्रि जलता रहे ऐसा एक दीपक जलाना चाहिए। ये पूरे दिन का उत्सव है, मिठाई बांटना चाहिए। इसमें लिखा है महाराज जी कि नव वर्ष पर भूखे दरिद्र इनको सबको भोजन कराना चाहिए, सबको वस्त्र बांटना चाहिए, सबको मिठाई बांटना चाहिए। क्या अंग्रेजी नव वर्ष में दीन दुखी भूखे इनको कुछ बांटने की परंपरा है? प्राय नहीं, अपने ही वो सब मनुष्य से भूत प्रेत बने भूत हैं। भगवान ने बनाया तो मनुष्य है, पर सब जो नहीं खाना चाहिए उसे खाकर, जो नहीं पीना चाहिए उसे पी करके भूत प्रेत से बने होते हैं। तो हमें भारतीय वैदिक सनातन विक्रमाप्त नववर्ष को मनाना चाहिए। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है, राम कृष्ण की प्यारी।